हिमाचल आकाशी रज्जुमार्ग संशोधन विधेयक को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में रखा। इसको पारित करने से पहले माकपा नेता राकेश सिंघा सहित कांग्रेस के विधायकों रामलाल ठाकुर, सुखविंदर सिंह सुक्खू और जगत नेगी ने अपनी आपत्तियां जाहिर की। आपको मालूम है कि आज ये विधेयक लाया गया जो एरियल रोपवे से संबंध रखता है, इसमें अमेंडमेंट लाई है सरकार ने जिससे मैं असहमत हूं। असहमति का कारण यह है कि ये एरियल रोपवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जिसका मतलब है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के साथ सरकार की भूमि है, तब पब्लिक प्राइवेट है। लेकिन संशोधन ये ले आया है, दो किस्म के संशोधन। एक संशोधन है कि जो टैरिफ होगा, जो किराया लेंगे, उस किराया को अब सरकार नियंत्रण नहीं करेगी, कोई एक्सपर्ट कमेटी उसको निर्धारित नहीं करेगी, लेकिन जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है वो उसको निर्धारित करेगी। मेरा मानना यह है कि सरकार को किसी भी प्राइवेट कंपनी को खुली छूट नहीं देनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अगर सरकार के कोई चहेते हैं जिसके लिए ये लाया जा रहा है उसको स्पष्ट करना चाहिए, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है जिस जो तौर तरीका सरकार इख्तियार कर रही है। यस, देखिए एज अंडर टेबल तो सीधे शब्दों में नहीं कहूंगा, लेकिन एक पूरा वातावरण ऐसा बन रहा है कि सरकार उस पर अड़ी है कि भाई नहीं, वो प्राइवेट पार्टनर ही तय करेगा और वो अल्टीमेटली ट्रांसफर होना है सरकार को आफ्टर व्हाटएवर पीरियड होगा 30 साल। दूसरा विषय इसमें और भी खतरनाक है, ये एक्सपीरियंस है हिमाचल प्रदेश जो टेलीग्राफ एक्ट का बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन कंपनियों ने वॉयलेट किया है। आधा हिमाचल आज नहीं जानता है हमने ट्रांसमिशन लाइन अडानी को हैंडओवर कर अबानी स्टेप इन कर दिया है एंड दे हैव टोटली वॉयलेटेड एंड चुपके से ओन भी कर दिया उन्होंने, ना हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में इसमें चर्चा हुई है। सिमिलरली जब ये रोपवे वाला आएगा, जो भी आएगा, आपने मिनिमम 10 मीटर से आप आगे 1.5 मीटर में, मैं सरकार से एक छोटा सा प्रश्न उठाना चाहता हूँ, एक मंजिल कितनी होती है जब किसान अपना मकान बनाता है? मिनिमम 3 मीटर होता है। तो आपने एक मंजिल बनाया, आपके पास आज साधन नहीं है, आप उस साधन को समय के साथ इकट्ठा करेंगे, तब दूसरी मंजिल का निर्माण करने की कोशिश करेंगे, तब तक तो रोपवे वाला आ गया, तो आपकी दूसरी मंजिल कहां से बनेगी? और ऊपर से उसको ताकत दे दी कि कोई विरोध करेगा तो तेरे खिलाफ FIR होगी, ये भी अच्छा नहीं है। सरकार की मंशा स्पष्ट नजर आ रही है, IPC के तहत ऑलरेडी प्रावधान था, लेकिन निजी व्यक्ति जो है उसको डराने धमकाने के लिए अगर वो जमीन हैंडओवर नहीं करता है कंपनी को, तो उसके लिए उसके पास आपने ताकत दे दी कि वो कानून भी निर्धारित करेगा और उस किसान को पीड़ित करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं सरकार पहले हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए, तब है बाहर वालों के लिए। टूरिज्म डेवलप होना चाहिए, लेकिन टूरिज्म कैन नॉट डेवलप एट द कॉस्ट ऑफ द फार्मर, टूरिज्म कैन नॉट डेवलप बाय एविक्टिंग द फार्मर, ये मेरा कहना है, मेरी पार्टी का। थैंक यू सर।